हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड की रसमलाई, जो बहुत ही शानदार बनती है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और इस तरीके से ये एक कोई ग्लास या कोई मोल्ड ले लें, उसकी हेल्प से आप इस टाइप के स्लाइस काट सकते हो राउंड शेप में। ये देखिए, इसी तरीके से हम जितने भी हमें बनानी है रसमलाई उतने स्लाइस ले लेंगे और इसी तरीके से सबको राउंड शेप में निकाल लेंगे हम। ये देखिए सारे निकाल लिए। और जो ये ब्रेड है इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको हम किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। इतने ये मैंने एक डिश ली है, इसको हम जो भी हमने स्लाइस निकाले हैं ब्रेड के उसको हम इस पर सेट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको लगा दिया है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे, तब तक हम रसमलाई का जो दूध होता है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 1/2 kg दूध लिया है, यानी कि 500 ग्राम, यानी कि मैंने 2 ग्लास दूध लिया है। और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे, चीनी डाल देंगे इसमें। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चीनी डाली है। इसी के साथ हम इसमें पिस्ता डाल देंगे जो मैंने कट करके रखा था, और मैंने दूध लिया है 1 कप अलग से, और इसमें मैंने केसर को भिगोकर रख दिया था 10 मिनट के लिए, वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको एक दो कम से कम 10-15 मिनट के लिए हम अच्छे से स्लो फ्लेम पे रखेंगे उबालने के लिए। देखिए इसको उबलते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं और ये एकदम रेडी है। अब हम इस दूध को जो हमने ये सेट करके रखे थे ब्रेड के स्लाइस, इसी में डालेंगे आराम से। हमें पूरे में डालना है, इसको एकदम कवर कर देना है इन ब्रेड के स्लाइस को। ये देखिए मैंने डाल दिया इसको। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए पूरा 1 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाला इसको और एकदम शानदार रसमलाई बनकर रेडी हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।